भारतीय जनता पार्टी बेनीगंज स्थित महानगर कार्यालय पर नगर निगम चुनाव की बैठक की गई, जिसके संबंध में वन मंत्री एवं नगर निगम चुनाव के प्रभारी डॉक्टर अरुण सक्सेना ने बताया कि घर घर में कार्यकर्ता जाएं, जो बच्चे 18 साल के ऊपर हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, ऐसे नए नाम जुड़वाएं एवं वार्ड स्तर पर कार्य करें। प्रभावशाली लोगों से संपर्क करना और धरातल पर हम अभियान करेंगे तो हमें बहुत बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर कर बड़े व छोटे कार्यकर्ताओं को लगाकर कोई भी वोट छूटने ना पाए, इसकी तैयारी वोटर लिस्ट के आधार पर पहले से ही शुरू करें। विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान में भी घर घर जाकर संपर्क करें। इस बैठक में महापौर सीताराम जायसवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव व महामंत्री देवेश श्रीवास्तव, अच्युतानंद शाही, इंद्रमणि उपाध्याय, ओम प्रकाश शर्मा, शशिकांत सिंह, सूर्य प्रकाश शर्मा, सिद्धांत घोष, अजय मणि त्रिपाठी, आनंद अग्रहरी, सत स्वीकृत अष्टभुजा श्रीवास्तव, रुपेश गुप्ता, छोटेलाल पासवान, अमितेश्वर पांडे, चंद्रपाल सिंह, शिवम पांडे, पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम चुनाव के सह प्रभारी राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद तथा वन मंत्री एवं प्रभारी डॉक्टर अरुण सक्सेना ने कहा, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे और हम सब कार्यकर्ता हमेशा चाहते हैं कि एक बार माननीय रानी से स्वागत है। इस विचारधारा में खपाने वाले सम्मानीय अरुण सक्सेना जी, जो इस नगर निगम के चुनाव के विषय को लेकर के आवाज बुलंद करने वाले राज्यसभा के माननीय सांसद बाबूराम निषाद जी, जानकारी है भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्व ओबीसी मोर्चा में प्रदेश महामंत्री के नाम पर, गोरखपुर महानगर तो वैसे भी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का एक केंद्र है, चाहे वो नए मतदाता बनाने का अभियान हो, चाहे वो कई बार कई वार्डों में ऐसे भी रखनी होगी, हर क्षेत्र के अंदर पहले तो मंडल में रखी मीटिंग और मंडल के बाद हर वार्ड में रखी मीटिंग, हर वार्ड में हमारा ये अभियान चलाना है और वोटर को बढ़ाना है, हर तरह से बढ़ाना है। इसके साथ ही साथ बूथ की भी देख लीजिए कि आपके कौन कौन से बूथ हैं, हर बूथ की बूथ के अध्यक्ष जो हों वो देखें, हमारे जो वार्ड के अध्यक्ष हों वो देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा आबादी जहाँ लगभग बराबर की आबादी है, थोड़ी बहुत घटी बढ़ी है, हमारे इलाके का बूथ दूसरे इलाके में पड़ गया, तो हमारे यहाँ की महिलाओं को अक्सर वहाँ जाने में दिक्कत होती है, मालूम पड़ता है छोटी गली है, महिलाएं निकलने में थोड़ा ऐतराज करती हैं, अब दो चार लोग खड़े हो गए। नगर निगम चुनाव जीतने के लिए ये हमारी पहली बैठक है पदाधिकारियों के साथ में। निश्चित रूप से जब चुनाव है तो योजना रचना करेंगे, किस योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद हमारे जीतें, उसके लिए यहाँ बैठक की है। मंडल के हमारे अध्यक्ष, मंडल के हमारे प्रभारी और हमारे प्रदेश के प्रभारी जो जिले के बनाए गए हैं यहाँ महापौर के, वो और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, तो निश्चित रूप से अभी जो प्रश्न आपका इसके पहले था कि बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य आपकी जीतें, इसकी योजना बहुत इस बार हम पार्टी के स्तर पर बहुत डीपली जाकर तय करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्षद जीतें, यहाँ मेयर तो जीतेंगे ही। हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में गोरखपुर में बहुत काम किया है, इतने काम किए हैं गिनाने आओ तो सुबह से शाम हो जाएगी। जो झील के किनारे जहाँ लोग शाम को जाने से घबराते थे, वहाँ पे आज महिलाएं और बच्चे घूमते हैं, खुश होते हैं, बच्चे को बारा लेके खेलते हुए नज़र आते हैं, तो ये गोरखपुर में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। उसके अलावा यहाँ की जो फैक्ट्री थी जो बंद थी उसको फिर से शुरू करा दिया, लोगों को रोज़गार मिला, यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत हुआ, यहाँ की बिल्डिंग बनी है,
यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं, काम बहुत हुआ है। अब हमें जनता को बताना है कि नगर निगम के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है और अब की बार नगर निगम के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, मेयर हमारा जिताना है, पार्षद हमारे जिताना है। यही आज की मीटिंग का मुख्य ध्येय है। अब की बार पार्षद भी हमारे बड़ी संख्या में जीतेंगे, हमारे अपने ही बहुत हैं और जब आएंगे तो देखा जाएगा। बाकी इस बात को तो हमारा लोकल पार्टी स्तर जो है वो देखेगा। देखिए, हम पार्टी के लिए हैं, सभी जातियां हमारे लिए बराबर हैं, हम सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं और सबका सम्मान करते हुए पार्टी निर्णय लेगी।